नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जिम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। फाक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स पिछले 38 दिन से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। मैं अभी इनके साथ ही हूं। कल जो एक तरह का जो एक इंटरव्यू था, उसमें ये कहा गया कि जो एग्ज़ाम जिसमें दांधलियाँ हुई हैं, वो स्क्रैप जो हुए हैं, वो अक्टूबर में दोबारा रीशेड्यूल्ड होंगे। वहीं कहीं ना कहीं ये जो फास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इनका उसमें हिम्मत हार गए, क्योंकि इनको ये डर बैठ गया कि इनका एग्ज़ाम भी जो है वो अभी स्क्रैप हो सकता है। बहरहाल के प्रति जो है एक न्यूज़पेपर में भी खबर चली, और अभी ये बच्चे जो हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, मैं आपको वो बात बताने की कोशिश करूँगा। क्या कहेंगे, जिस प्रकार से कल एक इंटरव्यू में एलजी साहब ने भी कहा कि जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ वो अक्टूबर में रीशेड्यूल हुआ, और एक पेपर में खबर आई है कि आपका एग्ज़ाम भी शायद जो है कैंसिल हो सकता है। सर, सबसे पहली चीज़ तो फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं करना चाहता। कल क्वेश्चन फाइनेंस का था, आंसर एसआई का दे दिया गया, इनडायरेक्टली उसको घुमा दिया गया। आज भी बड़े बड़े हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं वो स्टार्टिंग से लिखते आ रहे हैं कि इनका जो एग्ज़ाम है वो स्क्रैप होगा। उनके पास भी कोई ना कोई सोर्सेज तो होंगे। हम सरकार से अपील करते आ रहे थे कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप कम से कम एक बार हमारे सामने आके बात तो रखो, आप एक एश्योरेंस दे दो, हम चुपचाप करके अपने घर चले जाएंगे। हम हमारे बीच बैठे बच्चे इस टाइम केएस का प्री देके बैठे हुए हैं। मेरा खुद का केएस का प्री क्वालिफाई इस टाइम। हमने आगे प्रिपरेशन करनी है। हम लोगों को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है, चाहे धूप है बारिश है, वो उन कैंडिडेट्स के साथ जो कैंडिडेट्स ने 1.5 साल अपना लाइब्रेरीज में दिया हुआ है। क्या मैसेज दे रहे हैं ये आगे आने वाली पब्लिक को, क्या मैसेज दे रहे हैं ये बाहर बाकी स्टेट्स को? हमारे बच्चे उठ के आज दिल्ली जाने पर मजबूर हुए। जम्मू एंड कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सरकार इस टाइम पूरी इतनी रिजिड हो चुकी है कि बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ये सब बच्चों का पेशेंस लेवल टेस्ट हो रहा है। कुछ बोलते नहीं है कि बसें सामने स्टार्ट ये खड़ी कर देते हैं, पुलिस इनकी फोर्स सामने आ जाती है, बात हमारी रोक देते हैं। कश्मीर में मीडिया कवरेज रोक दिया, कितनी बार आप हमारी आवाज़ दबाओगे? सर, ये कोई गलत मैसेज आप क्यों दे रहे हो पब्लिक को? क्यों गलत मैसेज आप अपनी बाकी स्टेट्स को दे रहे हो? आप जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कितना कुछ बोलते हैं, ये हमें बोला जाता है 2 इंजन सरकार, बीजेपी की सरकार। डबल इंजन छोड़ो सर, सिंगल इंजन सरकार काबिल नहीं है। ये क्या कर रही है जम्मू एंड कश्मीर में? बेटियां यहां पे बिठा के रखी हैं, बेटियों के नारे देते हैं ये। अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल देख लो कितना हाई हो रहा है इस टाइम पे। एक एक बात सर, अभी तक जेकेपीएसई की बात करूंगा, जेकेपीएसई को स्क्रैप किया गया, 33 लोगों पे एफआईआर लगी। कहां पर हैं वो 33 लोग? उनमें सारे के सारे इनके मैक्सिमम तो ऑफिसर्स निकल रहे हैं, कुछ जेकेएसएसबी के वो निकल रहे हैं, एम्प्लॉयज निकल रहे हैं। तो आप उनको बाहर करो पहले, तो आप वो कर नहीं रहे हो। आप बोल रहे हो अक्टूबर में आप जेकेपीएसई का एग्जाम लोगे, वही बच्चे वापस आएंगे। हमारी लड़ाई करप्शन के खिलाफ है, आपकी लड़ाई करप्शन के खिलाफ है, तो फिर हम अलग अलग क्यों हैं? आज यहाँ पे बैठा एक एक बच्चा ये बोल रहा है कि हम कोऑपरेट करने को तैयार है, आप 6 महीने का टाइम ले लो। अगर आपको लगता है बीच में कोई ऐसा एलिमेंट, आप निकाल दो। आप लिस्ट को स्क्रैप कर रहे हो, आप जेकेएसएसबी को स्क्रैप क्यों नहीं कर रहे? वो जो बोर्ड है, जिस बोर्ड ने ये सारी बातें की, सर ये बोर्ड के पास हम बार बार डेलीगेशन लेके जाते थे। ये बोर्ड ये कहता था कि आपकी लिस्ट पे काम चल रहा है, कमेटी नंबर 3 बना दी गई है, आपकी लिस्ट विद इन कुछ डेज आपकी वेबसाइट पे होगी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि एसएसबी के बंदे भी इन्वॉल्व हैं? सर हो सकते हैं ना, वैसे तो आया भी एफआईआर में नाम आया एसएसबी के इनके कुछ ऑफिशियल्स का, तो बिल्कुल है सर। जहाँ से पेपर, जिन्होंने पेपर करवाना है, जिस एजेंसी ने पेपर करवाना है, ये वहीं के लोग हैं सबसे पहले, तो उसके बाद हम लोग, अगर हम हैं तो। अक्टूबर में कह रहे हैं कि हमने एग्जाम लेने हैं, जेकेपीएसआई का अक्टूबर में हमने एग्जाम लेना है। होगी सीबीआई कर दी, सीबीआई ने सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म, कितने सारे पूरी इन्वेस्टिगेशन की, देखा नहीं आपने कितने बल्क में, जैसे कहते थे मास में पेपर बिका, पेपर बिका, पेपर ले लो, पेपर ले लो। आगे सारे बच्चे बाहर, सारे बच्चे आगे ना बाहर, अक्टूबर में जो पेपर लेने के लिए जा रहे हो, सीबीआई को आपने केस हैंड ओवर कर दिया, पेपर बच्चे बाहर आ गए। बस ये 20 बच्चों के पीछे 1700 बच्चों को बाहर निकाला था, इन्हीं के पीछे पेपर स्क्रैप किया था, इन्हीं के पीछे बड़ी बड़ी बातें करते थे, सबको डिबार कर दिया जाएगा। मेरे सिद्धांत अलग हैं, मेरे सिद्धांत कहते हैं बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। हो गया सिद्धांत सब फेल, सब कुछ हो गया खत्म। किसको आपने डिबार किया, कौन बार हुआ? अक्टूबर में तो आप कहते हैं मैंने पेपर ले लेने हैं। मैंने करप्शन एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं ये, करप्शन खत्म नहीं कर रहे हैं, करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे? स्क्रैप करके सर लोग बाहर नहीं लाएंगे ये, आप फिल्टर करो सर। हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, 6 महीने छोड़ो सर, 1 साल ले लो, 1 साल तक का टाइम देने के लिए तैयार हैं हम बच्चे। एफिडेविट आपकी किसी इस मुद्दे को सर किससे नहीं हुई है? हमने अप्रोक्सीमेटली जो कल के बाद अभी तक, हाँ बिल्कुल है ना सर, ऑफिशियल से बात हो रही है हमारी, हम बार बार बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप आगे तैयारी करो, ये इनका ये क्या कि आप आगे तैयारी करो, आपका एग्जाम फिर जल्दी करवा दिया जाएगा। हम पहले भी ये चीज़ बता चुके हैं इनके, सर आज फिर बताएंगे जेकेएसएसबी को क्यों स्क्रैप करना चाहिए, ये इन्हीं के ऑफिशियल ट्वीट्स हैं। हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए थे, आज फिर बताएंगे
कि ये यही हैं जिन्होंने ट्वीट करे थे कि ये जो एग्जाम है ये बिल्कुल फेयर मैनर में, ट्रांसपेरेंट मैनर में ये एग्जाम करवाए गए हैं जितने भी हैं। मैं बता दूं आपको, ये कह रहे हैं कि एसएसबी को स्क्रैप किया जाए क्योंकि उनके द्वारा जो एग्जाम सही तरीके से नहीं करवाए गए। एक ट्वीट है जो उन्होंने फोटो कॉपी ली है, उसकी मैं जरूर दिखाना चाहूंगा, जेके एसएसबी ऑफिशियल हैंडल से मार्च 6 का लाइव स्ट्रीमिंग ड्यूरिंग ओएमआर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस, जो जो बच्चे हैं इसी का, बीइंग सेंट्रली मॉनिटर्ड एट कमांड कंट्रोल रूम, यानी कि वो एक जगह से जो है पूरा मॉनिटर किया गया है। क्या दर्शाना चाह रहे हैं इससे? यही है ना सर कि इन्होंने खुद ही ये चीज मानी, एक्सेप्ट करी है कि ये जो पेपर है, ये जो एग्जाम है, ये ट्रांसपेरेंट मैनर में करवाया गया है। आज ये अपनी स्टेटमेंट्स को ओवररूल कर रहे हैं, और ओवररूल ऐसे कर रहे हैं कि हम लोग तो बीच में थे ही नहीं। ये प्रेस रिलीज है सर, ये प्रेस रिलीज दिया इन लोगों ने, ये उस टाइम पे दिया जब हमारा एग्जाम हुआ था। इवन पिक्चर्स तक क्लिक की गई हैं, डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिए कि एग्जाम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में हुआ है। तो आप चाहते हैं कि अगर कोई बीच में प्रॉब्लम है तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप सोचो सर, हम किस पे ट्रस्ट करेंगे? नेक्स्ट टाइम एग्जाम होगा फिर से ही ट्वीट आएंगे, इसका मतलब हम इसको ना माने तो फिर ये पहले क्यों डाले गए? हम सरकार पे विश्वास रखते हैं, ये सरकार है हमारी, ये देखो क्या ये जेकेएसएसबी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है? ये है ना जेकेएसएसबी गवर्नमेंट का पार्ट। तो आज इन्होंने खुद की स्टेटमेंट को ओवररूल कर दिया, तो क्या गारंटी है कि आगे आने वाले एग्जाम्स में स्क्रैप नहीं करेंगे? क्या गारंटी है कि आने वाले एग्जाम्स में करप्शन नहीं होगी? हम तो आप ही के बनाए हुए ट्वीट्स पे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हम तो अपने से नहीं बना रहे। आप लोग बोल रहे हो कि हमारे बीच में बैठे हुए कैंडिडेट्स हैं। अगर ये एक और ट्वीट है मेरे पास जिसमें लिखा है, मार्च 6 का ही है, अबाउट 1.36 लाख आउट ऑफ 1.95 लाख कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट टुडे ओमर एग्जाम फॉर अकाउंट्स असिस्टेंट एफ जेकेएसएसबी इंट्रोड्यूस लाइव स्ट्रीमिंग थ्रू वेबकास्टिंग सीसीटीवी सर्विलेंस हुई है, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हुई है, फर्स्ट टाइम फॉर एनहांसिंग द फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन एग्जाम। तो सवाल सीधे तौर पे अभी जेकेएसएसबी पे आ रहा है, अगर एग्जाम स्क्रैप्ड हो रहे हैं या इस पे चर्चा चल रही है तो जेकेएसएसबी कहां है? जेकेएसएसबी पे जो एक्शन है वो कहां पे है? बच्चे इस बात के लिए सफर क्यों करें? और जेकेपीएसआई का जो एग्जाम स्क्रैप हुआ उसमें 33 जिस प्रकार से जानकारी दे रहे हैं कि उन पे एफआईआर हुई है, लेकिन 7200 जो बच्चे हैं उनकी बलि लगी है, ये नहीं चाहते कि इनकी बलि लगे। इनके और भी साथी क्या कहेंगे? आपके साथी तो जेकेएसएसबी के ट्वीट दिखा रहे हैं और कह रहे हैं उनकी गलती है। सर अभी भी ये जो स्क्रैप ड्रामा चल रहा है सर, 2012 में बोपी स्कैंडल हुआ था, वहाँ पे क्या किया इन्होंने, बंदे बाहर कर दिए। वो दिन और आज का दिन है, वहाँ पे कोई स्कैम ना कोई सर स्कैंडल बाहर आया है। ये जेकेएसबी का सेम ये इन्होंने सर फायर एमरजेंसी में 2 बार पेपर हो चुका है, फिर सर ये स्कैम वहाँ पे सर बंदे फिल्टर हो गए, दोबारा कभी स्कैम नहीं हुआ। अब ये सर फिर से सर कह रहे हैं, अभी हमें नहीं पता इन्होंने बंदे निकालने हैं बाहर या नहीं निकालने हैं, फिर से सर हम क्या गारंटी, हम फिर से पेपर दें और फिर से ये स्क्रैप नहीं करेंगे? इन्होंने पेपर एग्जाम कराना है जेकेएसबी वालों ने, फिर से क्या गारंटी? हम किस पे भरोसा करके एग्जाम देते हैं कि हुनहार बच्चे हैं दोबारा सेलेक्ट हो जाए? सर ये सिर्फ कहने की बात है, जो ये कहते हैं ना उन्होंने भी सर आईएएस क्लियर किया हुआ, उनको बोलो फिर से दे दो आईएएस पेपर। जो लीडर कहते हैं उनको बोलो जब आप जीते हो इलेक्शन में फिर से आपकी इलेक्शन करवा देते हैं, क्या गारंटी है वो जीत जाएंगे? और हम दिए क्यों सर पेपर? हमने दे देते हैं हम पेपर, 2 साल दो हमारे वापस, फिर 2 साल जो हमने दिए वो पहले वापस दो हमें, जो हमने हार्डवर्क किया वो दो वापस। ये सिर्फ सर अपने चोरों को बचाने में, सीधा बोल रहा हूँ, ये अपने चोरों को बचाने के चक्कर हमें बलि का बकरा बना रहे हैं। हमें नहीं पता कि किसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, सब कुछ बंद कमरों में बैठ के किया है, कौन कौन सा बंदा बचाना है वो साइड कर दिया इन्होंने। और अब हमें यहाँ तक एक सर कॉल तक नहीं आई इनकी तरफ से कि आपकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, किस बेसिस पर हुई है, किस बेसिस पर इंक्वायरी बैठी है, हमें कोई पता नहीं है। सर यहाँ पे बैठा एक एक बच्चा, मैं आज सिर्फ देखो सर पेशेंस का लेवल इतना हमारा हाई था कि आज हमने 38 डेज यहाँ पे निकाले, चाहे धूप है बारिश है। कैंडिडेट्स थे, एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे बच्चे थे, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया आज तक। पुलिस तक मानती है कि हमने कॉपरेट किया। हम एक ही चीज़ बोलेंगे इनको कि आप हमें मेंटली टॉर्चर क्यों कर रहे हो? अगर आपको लगता है स्क्रैप करनी है कर दो, हम नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन सोचेंगे। हमें पता ना सर, हम तो नहीं बैठने वाले, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं, बट आप ये रोज़ की मार दे रहे हो हमें, हम रोज़ यहाँ पर मर रहे हैं, इसे चाहे एक ही बार मार दो। दूसरी चीज़ यह है कि सर यहाँ बैठा एक एक बच्चा हर एक एग्जाम के लिए क्वालिफाई होना चाहता है। हम बच्चे एक एक फॉर्म भरते हैं, एक एक पेपर में अप्लाई करते हैं, उसके बाद उसमें हम बैठते हैं। हर एक बच्चा यहाँ पे जेके पीएससी के बच्चे यहाँ पे इस टाइम बैठे हुए हैं, हमारे मेंस एग्जाम आने वाले हैं, क्या वो बात इनको नहीं दिख रही है? सर हम ही तो कैंडिडेट्स हैं जो 1 लाख, यहीं पे तो लिखा हुआ है कि 1,93,000 ने अप्लाई किया था, जिसमें से 972 कैंडिडेट्स अपने फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आए हुए हैं, तो यही वो बच्चे हैं। तो हमसे उम्मीद है, हमें आपसे उम्मीद है, हम लोगों के साथ गलत कर रहे हो। बाकी कैंडिडेट्स भाजपा के लीडरान से भी मिले थे, क्या कुछ उसका आउटकम? बात करेंगे आपके बारे में, आपके साथ इंसाफ होना चाहिए, आप लोगों के साथ गलत हो रहा है, ये हमने सुना है अभी तक, आज भी यही सुन रहे हैं। आप कब बात करोगे सर जब स्क्रैप हो जाएगी? आज हम क्यों बीजेपी के अगेंस्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं? क्योंकि आप ही की तो सेंटर में सरकार है, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते सर? आप चाहें तो लिस्ट को बिल्कुल आराम से फिल्टर कर सकते हो, आप चाहो तो, लेकिन आप चाहते ही नहीं हो क्योंकि आप शायद फेसेस को बचाना चाहते हो। चुनकर भी सर हमने ही लाया इनको, हमने ही इलेक्शन में वोट दिया, हमने चुन के लाया, 370 टूटा हमने वेलकम किया, यूटी बनी हमने वेलकम किया,
बड़े अफसोस की बात है कि 36 दिन हो गए यहाँ बैठे हो, उनकी तरफ से सर कोई लीडर तक नहीं आया जो हमारे नुमाइंदे थे जिनको हमने चूज किया था यहाँ पे, फिर से इलेक्शन करवाएंगे तो देखते हैं फिर। अभी इलेक्शन होनी है ना, इनको लग रहा है कि बीजेपी का सीएम आएगा। अगर हमारी लिस्ट स्क्रैप हुई, 972 बंदे हैं ना, ऐसा पहले हम ही इनका कैंपेन चलाते थे, बीजेपी का हम ही कैंपेन चलाते थे, हम इनके साथ चलते थे। अब दोबारा इलेक्शन होगी ना, ऐसे कैंपेन चलेंगे इनका, जो सीएम जी सोच रहे हैं कि बीजेपी का आएगा वो देख लेना फिर किसका सीएम आएगा, क्योंकि हमने इनको वो भी हम देख लेते हैं कैसे 25 लाख वोटर आएंगे बाहर से। ये वही है ना, इस टाइम पे बाहर के बंदे ला रहे हैं, जो लोकल है उसकी सुनी नहीं जा रही है, हम ही पिस रहे हैं ना बेसिकली। ये क्या कर रहे हैं, अपने बंदों को छुपा रहे हैं, उनकी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, तो करना चाहिए क्यों नहीं हो सकता फिल्टर? यहाँ पे तो सारे बच्चे बैठे हैं ना, जेन्युइन बच्चे बैठे हुए हैं, अगर ये करना चाहते हैं ना, इनके पास कोई इतने स्ट्रांग एविडेंस है, ये बेसिकली हमसे डर गए हुए हैं। हम जब से प्रोटेस्ट में बैठे ना, क्योंकि हमें पहले दिन से ही पता चल रहा था कि इन्होंने स्क्रैप करनी है, तब से ये डर गए हुए हैं, इनके पास कोई स्ट्रांग एविडेंस ही नहीं है, इनके पास तो ये देख रहे हैं कि कहाँ से हम क्या करें इसको, तो उस तरह से ये देख रहे हैं, स्ट्रांग एविडेंस नहीं है इनके पास और डर गए हैं, क्योंकि 38 दिन से जो है वो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, और शायद यही एक वजह है कि जो स्क्रैप की बात चल रही है। बहरहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट जो है सरकार के बीच में, बच्चों के बीच में, और यहाँ की जो बीजेपी लीडरान है उनके बीच में दिखा। हालांकि ये सबसे मिले लेकिन इनकी बात के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, ये साफ तौर पर कह रहे हैं हम हर तरह की हेल्प करने को तैयार हैं, हम हर तरह का जो है 6 महीने ले ले सरकार, 1 साल ले ले, अगर कोई इनमें से कल्प्रिट होता है तो उसको बाहर कर दे, इनसे लिखवा के ले ले, लेकिन एग्ज़ाम को स्क्रैप ना करे। बहरहाल जिस प्रकार से स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसके ऊपर जो है इनकी रिएक्शन आपने देखा, किस तरीके से बच्चे हताश हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे लड़कियाँ जो हैं, लड़के जो हैं बैठे हैं और काफ़ी ज़्यादा हताश साफ तौर पर दिख रहे हैं। एक उम्मीद थी इनको कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठ के जो है कहीं ना कहीं इनके साथ इंसाफ होगा, और इंसाफ नहीं होने की वजह से जो जिस तरीके की, बहरहाल अभी तक किसी प्रकार की जो है पुष्टि नहीं है कि एग्ज़ाम कब स्क्रैप होगा या स्क्रैप होगा भी नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार से न्यूज़पेपर में खबर आई है और जिनकी बात हुई है ऑफिशियल से, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इनको कि इनका एग्ज़ाम जो है अभी स्क्रैप हो सकता है, और काफ़ी ज़्यादा हताश है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अगला रोड मैप जो होगा ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे अपने हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए, इन्होंने साफ तौर पर ये कहा। बहरहाल JKSSB के ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए, JKSSB की जो ट्वीट्स उन्होंने किए थे जब ये एग्ज़ाम हुआ था उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए कि जब उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि सर्विलेंस हुई है, CCTV कैमरे लगे हैं और इसके साथ साथ मॉनिटरिंग जो है सेंट्रली हुई है, तो फिर JKSSB इसके ऊपर जो है जिम्मेवार क्यों नहीं, JKSSB के ऊपर जो है कोई किसी प्रकार का कोई भी जो है कार्रवाई क्यों नहीं, JKSSB को स्क्रैप क्यों नहीं की जा रहा, इन बच्चों को जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो स्क्रैप क्यों हो रही हैं, क्यों इनके साथ जो है वो खेला जा रहा है, इनके फ्यूचर के साथ, ये सवाल जो है ये बच्चे कर रहे हैं, सरकार से कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जनता और लीडर से कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे जम्मू वर्चुअल के साथ, कैमरन काका के साथ, मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।